दोस्त, वेलकम बैक टू चैनल। आपका दोस्त आपके साथ है। तो एक बार फिर हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के बापू सभागार में, और इस बार पहुंचने का मुख्य कारण आपको बताते हैं दशहरा आने वाले, और दशहरा को लेकर यहां पे एक मेला का आयोजन किया गया है। दूसरी बार का मेला है, इससे पहले भी एक साल लगाया गया था, यानी कि ये दूसरा साल है। और पीछे आप देखेंगे तो लिखा हुआ बिहार महिला उद्योग संघ के द्वारा लगाया गया है, बिहार सरकार के द्वारा इस मेला को किया गया है। लोकेशन आपको पता ही होगी, पटना के गांधी मैदान के पास स्थित ज्ञान भवन में मेला लगा। दोस्तों जैसे ही आप अंदर इन करेंगे ज्ञान भवन के अंदर, तो आपको ये खूबसूरत गेट दिखेगा। तो इस तरह का स्टैंडी लगाया हुआ है, सेकेंड एडिशन एनुअल दशहरा मेला 2023, जो कि 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेगा पटना के ज्ञान भवन में। चलिए आपको अंदर मेला में पूरा मेला को एक्सप्लोर करके मेला की तस्वीर को और वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं तो सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ जाए। भव्य वेलकम के लिए लेडीज खड़ी है, और देख सकते हैं इसी के अंदर आपको जाना हो। तो दोस्तों जैसे आप मेला के अंदर आएंगे तो यहाँ पे लक्की ड्रा कॉन्टेस्ट भी है, जो कि स्कैन एंड विन लिखा हुआ है। तो वही मेला का एंट्री गेट है, एंट्री गेट से हम लोग अंदर की ओर जाते हैं। तो देख सकते हैं दोनों तरफ स्टॉल लगा हुआ है मेला का। ज़्यादातर यहाँ पे महिला एवं बाल विकास निगम की तरह से मेला को आयोजित किया गया है। साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट, मतलब हाथ से बनाया हुआ सारा सामान यहाँ पे ज़्यादातर मिल रहा है आपको। अब बिहार से ही रिलेटेड सब सामान मिल रहे हैं आपको। मधुमनी पेंटिंग के जरिए शॉल, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो मेला में एक काउंटर आपको दिखेगा अफगान ड्राई फ्रूट्स का। यहाँ पे आपको अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट्स, एक से बढ़कर एक ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आकर आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जो कि अफगानिस्तान का। मेला में आप आएंगे तो वहाँ एक से बढ़कर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ड्रेसेस हो या फिर बैग वगैरह हो, खाने पीने का हो, ड्राई फ्रूट्स हो, खिलौना हो, घर में सजाने के लिए डेकोरेशन का आइटम हो, तमाम तरह के आइटम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे घर में सजाने के लिए एक से बढ़कर एक जो कि फ्लावर आपको यहाँ मिल जाएगा, और अलग अलग पोट में इसे दिखाया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ देखने को मिलेगा जब आप घर में इसे लगाएंगे। यहाँ जैसे ही आएंगे तो आपको इस स्टॉल पे 3D पेंटिंग के जरिए खिलौना को बनाया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत खिलौना है आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे तो एक और स्टॉल आपको मिलेगा, यहाँ पे घर में सजाने के लिए एक से बढ़कर एक झूमर आपको मिल रहा है, दशहरा में घर की रौनकों को बढ़ा देगी। मैं आपको गोल्ड का भी एक से बढ़कर एक आइटम मिल जाएगा। इस तरह आप बढ़ेंगे तो देख सकते हैं, और वुड का एक से बढ़कर एक आइटम आपको मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ बैग वगैरह देख सकते हैं, बैग है यहाँ। और इस तरफ भी आएंगे तो देख सकते हैं एक से बढ़कर एक झूमर आपको देखने को मिलेगा, पूरी तरह से घर को डेकोरेट के लिए एक से बढ़कर देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इस मेला में आते हैं तो आपको इस मेला में एक से एक चीज़ आपको मिल जाएगा, और ख़ास करके दशहरा के लिए अभी एक से एक ऑफर भी आया और एक से एक सामान आया यूनिक। और ये मेला 3 अक्टूबर तक रहेगा, और मेला काफ़ी अच्छा है। अगर आप पटना में हैं और पटना में इस मेला को घूमना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि ये मेला सिर्फ 3 अक्टूबर तक रहेगा, उसके बाद फिर आपको नहीं मिल सकता, सिर्फ 3 अक्टूबर तक ये मेला है। कुछ शहद का भी एक से बढ़कर एक आइटम आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। तो हम आइए भैया से जानते हैं कि शहद के बारे में कुछ बताएं यार। ये देसी मंत्रा है, एक ब्रांड, नया ब्रांड है, 2 साल पुराना ब्रांड है, अभी इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। अच्छा। इसमें देखिए ये मल्टी फ्लोरा हनी स्टार्ट हो गया। न्यूनतम स्टार्ट इसका रेट कितना से आपके? रेट वो उस समय लग जाएगा, मतलब बाकी सब लगभग रेट सेम ही है बाकी सब शहद से।
बी कीपर्स है, मधुपालक है, जो इसका घूम घूम के हर जगह अलग अलग प्रदेशों में जा जाके इसका शहद का कलेक्शन करते हैं। तो लीची और जामुन आपको हमारे बिहार का मिलेगा, अदरवाइज हम लोग अदर स्टेट्स का भी है हमारे पास, जैसे मल्टी फ्लोरा हम लोग फॉरेस्ट रीजन से या उत्तराखंड से हिमाचल से ही निकलवाते हैं। तो माइग्रेशन कर करके भैया सब जाते हैं और वो लोग शहद हमारे लिए कलेक्ट करके लाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेला काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक चीज़ यहाँ आपको मिल ही रहा है। तो अगर पटना में है तो जल्द से जल्द पटना के ज्ञान भवन में आकर इस मेला को विजिट कीजिए, आपको हर एक चीज़ आपको एक से बढ़कर एक चीज़ मिल जाएगा। और दशहरा को लेकर यह ज़बरदस्त ऑफर भी चल रहा है। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जगह के साथ, जब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। और अभी तक अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें।